तो अखिलेश यादव जी और इन लोगों जो भी पार्टियां हैं, इनको जब मौका मिला तो ये सिर्फ लूटने में लगे रहे, दीवार तोड़ तोड़ के उसमें माल रखते थे। अब उत्तर प्रदेश की जनता को जो एहसास हो रहा है उसका ज़मीन पे असर है, और ऐसे लोग जो अपने वो कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो देखते रहें, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे चल पड़ा है मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, और इसकी उड़ान और भी ऊंची होनी है। सर, बंगाल के एक जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके खिलाफ कंप्लेन किया है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि वो सेकुलरिज्म को बढ़ाने के लिए। देखिए, ये सब जो ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, ये इनका प्री प्लान सब अभियान है। हमें लगता है कि अगर आप अच्छी तरह जांच होगी तो जो लोग पंडाल के लोग या तो स्वयं विरोध किए होंगे और नहीं तो उनको डरा धमका के ऐसा कराया होगा, यही बंगाल में हो रहा है। मैंने ऐसा नहीं सुना कि इस प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दुर्गा पंडाल में नमाज अदा करी जाए और उसके बाद ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है ऐसे लोगों को। इसका फैसला, इसका जवाब पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल के लोग अगले चुनाव में देंगे। सर, AI बयान दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, इनको एक तरह की बीमारी हो गई है कि अगर इनको कैल्शियम का भी डोज दे दिया जाए तो भी ये उभर नहीं सकते, क्योंकि ये खुद से ही उभरना नहीं चाहते। ये ओबैसी जी का और कांग्रेस का वो अलग से इनका एक नीति चलता है, इसमें BJP को कुछ भी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। सर, मनोहरलाल उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग भारत माता की जय करते हैं और कांग्रेस वाले सोनिया माता की जय करते हैं। ये तो खट्टर साहब ने जनता की बात कह दी है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कई जगह ऐसा उदाहरण मिल चुका है जहां जैसे ही लोगों ने कहा भारत माता की तो मुंह बंद कर दिया गया, तो कान में कुछ कहा गया, फिर जो दूसरा लाइन निकला सोनिया गांधी जय। तो खट्टर साहब बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, और जो उन्होंने हरियाणा का विकास किया है मैं समझता हूँ पूरा देश उससे वाकिफ है, और हरियाणा में दोबारा फिर से खट्टर साहब की सरकार बनने जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल।